गोग्रीन कॉन्सेप्ट के अंदर ना गार्डन से अपन पौधों के लिए हरियाली के लिए अपन कुछ भी करेगा, चाहे बाहर लगाने पड़े कहीं भी लगाने पड़े, ठीक है। सिर्फ आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि गार्डन में जो भी चीज़ गार्डन को खूबसूरत हम वो करेंगे। अभी मैंने ये लाइट लगा रखी, देखो दोस्तों, अभी ये मतलब मैंने अपनी लाइट को ऑफ किया हुआ है, ऊपर वाली लाइट को ऑफ किया, जिसकी वजह से जल रहा है। देख लो, अभी जैसे लाइट जलाऊंगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। सोलर से, ये सोलर पैनल से चलता है दोस्तों, ठीक है। सामने आपको दिख रहा हुआ सोलर लगे हैं, ये सोलर प्लेट लगी है। जैसी लाइट ऑन होगी ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएंगे। लाइट ऑन कर, ये देखो ऑलरेडी बंद हो गए दोस्तों, वायर दिख रहे होंगे। ऑन करो, ये देखो दोस्तों, ठीक है। ये बहुत बेस्ट चीज़ है दोस्तों आपके गार्डन के लिए। अगर आप गार्डन के शौकीन हैं ना, तो आप कहीं पर भी इसको ना हैंगिंग गार्डन के अंदर भी आप इस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। हैंगिंग गार्डन के ऊपर भी आप करोगे तो बहुत अच्छा लुक देगा, ठीक है। ये देखो फर्स्ट क्लास जल रहा है ये, ठीक है। और जैसे अगर इसके ऊपर ना बाई दे हुए, अभी ये जला है, ठीक है। जैसे लाइट का जला होगा ऑन कर, ये देखो बंद हो गए दोस्तों, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको अभी जले रहने देते हैं और जब बंद कर देते। चलो दोस्तों, सिर्फ ये एक मैसेज था आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और बाकी जो है खाद के हिसाब से जो है भर्मी कंपोस्ट वगैरह आ गया है। और ये दोस्तों हमारी रेत है, ये देख लो, ये सैंड है, मोटी सैंड, जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। भर्मी कंपोस्ट है लिखा हुआ, देख रहे हो, आपको दिख रहा होगा भर्मी कंपोस्ट ही है। ये 10 kg का बैग है और ये रेत वगैरह फिर मैं और लेके आया हूँ। अभी जो है 5-6 प्लांट हम और हायर करेंगे और उसके बाद उन पौधों को लगाएंगे। जो पौधा लगाएंगे हम आपको दिखाएंगे। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रोजेक्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।